गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 10 वचन शुरू करेंगे। वचन, इससे पहले देखिए हम इसमें पढ़ेंगे क्या, इस पूरे अध्याय में यानी चैप्टर में। वचन, वचन के भेद, एक वचन, बहुवचन, नित्य एक वचन यानी कि जो हमेशा एक वचन रहते हैं, नित्य बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या नियम हैं वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए वचन, वचन क्या होता है? चित्रों को देखिए और इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। लड़का गेंद से खेल रहा है, ये क्या है? एक वचन है ना। लड़के अपना पाठ पढ़ रहे हैं, इसमें एक लड़का था, इसमें एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है। चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी है, इसमें एक चिड़िया है। आसमान में कई चिड़ियाँ उड़ रही हैं, इसमें ढेर सारी चिड़ियाँ हैं ना। ऊपर लिखे रंगीन शब्दों से पता चल जाता है कि लड़का और चिड़ियाँ शब्दों का प्रयोग एक संख्या के लिए हुआ है, तथा लड़के और चिड़िया का शब्दों का प्रयोग एक से अधिक संख्या के लिए हुआ है। एक और एक से अधिक संख्याओं के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो हम वचन किसे कहते हैं? शब्द के उस रूप को कहते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ये चीज़ एक से ज़्यादा है या एक है, ठीक है, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन, पहला, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से आपको ये पता चले कि ये एक वचन है, यानी एक है, एक है ये चीज़ नंबर में, संख्या में, तो उसे आप क्या बोलोगे? एक वचन। जैसे कुर्सी, उसे क्या पता चला है? एक कुर्सी की बात हो रही है। लड़की, बच्चा, गमला, गाना, सोफ़ा, चश्मा, नाली आदि, इससे क्या पता चल रहा है कि एक चीज़ की बात हो रही है ना। सेकेंड है हमारा बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि ये क्या है? एक से ज़्यादा है, यानी कि बहुवचन है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये शब्द क्या है? बहुवचन का है, ठीक है। जैसे कुर्सियाँ, एक से ज़्यादा कुर्सी की बात हो गई। लड़कियाँ, एक से ज़्यादा लड़कियों की बात हो गई। बच्चे, गमले, गाने, सोफ़े, चश्मे, नालियाँ आदि, इससे क्या पता चल रहा है? ये शब्द हमें ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये क्या, इनका संख्या में ये एक से अधिक है, ठीक है, इनकी जो संख्या है वो एक से अधिक है, हमें इनसे, इन शब्दों से ये पता चल रहा है ना, तो इसलिए क्या है? बहुवचन। नित्य एक वचन, जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, जो शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं उन्हें नित्य एक वचन कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं हमारे पास जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जनता, पानी, वर्षा, आकाश, झूठ, सरकार, भीड़, पुलिस, समिति आदि, ये हमेशा हमारे एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संख्याएं प्राय नित्य एक वचन होती हैं। जितने भी व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा एक वचन ही होती हैं। नित्य बहुवचन, जो शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं उन्हें नित्य बहुवचन कहते हैं। जो ऐसे शब्द हैं जो सदा किस में प्रयोग होंगे? बहुवचन में, उसे हम क्या बोलेंगे? नित्य बहुवचन। जैसे आंसू, ओज, दर्शन, दाम, प्राण, भाग्य, लोग, समाचार, हस्ताक्षर, होश आदि, ये आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यहाँ पे फिर आगे आपको दिया गया है कि एक वचन से आप बहुवचन कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको, आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।